हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सर्कमस्क्राइबिंग रेडियस, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल की रेडियस निकालना। दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन और पॉपुलर क्वेश्चन है जिसमें तीन सर्कल दे रखे हैं जिनकी रेडियस इक्वल है, वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं आउटसाइड, और उनके आसपास एक सर्कल बना हुआ है, उस सर्कल की रेडियस निकालना है। तो अगर हम लोग देखें तो उस सर्कल की रेडियस यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है। अगर इस ट्राइंगल को हम लोग ए बी सी ले लें, ये पॉइंट डी मान लिया जाए, तो ए डी इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल एंड दिस पॉइंट इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब सेंट्रॉइड और मीडियन, ये इस ट्राइंगल की हाइट भी है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला है ए रूट थ्री बाई टू। ए मतलब साइड ऑफ ट्राइंगल विच इज R प्लस आर टू आर। ए बी की लेंथ 2R है, ए सी की लेंथ 2R है, बी सी की लेंथ 2R, तो 2R रूट 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हाइट आ जाएगी 2R रूट 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, R रूट 3 इज द हाइट। अब ये सेंट्रोइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, इसलिए ओ ए की वैल्यू 2/3 ऑफ द हाइट हो जाएगी, 2/3 of height, height is r root 3, तो OA की value 2√3/3 हो गई, और इसमें अब हमें बस यहां से यहां तक की रेडियस अगर एड कर दी जाए तो बाहर वाले सर्कल की रेडियस बन जाएगी। अगर इसको E नाम दे दिया जाए तो OE बाहर वाले सर्कल की रेडियस है जो OA प्लस AE के बराबर है। OA हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 2√3/3, और ए की वैल्यू आर है, 3 एलसीएम हो जाएगा, 2√3 + r 3r, ये ओ की वैल्यू हुई, आर कॉमन ले लिया जाए 2√3 + 3/3। रेडियस ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल का फॉर्मूला हुआ r इंटू 2√3 + 3/3, और इसमें अगर हम लोग r की वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ पर इस केस में इसकी रेडियस 3 × 2√3 + 3/3, 3 से 3 कैंसिल, 2√3 + 3। तो शायद आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारा वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।